कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ फॉर बींग विद मी इन दिस जर्नी मे में मेरे को यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हुए दस साल हो जाएंगे सो इट इज़ स्टिल अन रियल फॉर मी टू हेट दिस नंबर बट या अगेन गाइज थैंक यू सो मच और जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव अंस न्यू प्लेस ऑल्सो सो एम स्टिल फिगरिंग आउट थैंक्स टू यू नो मेक दिस लुक बेटर इफ़ किसी के पास भी कोई भी चीज है जो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ कैसा मैंने पोट माई फ्लैक्स ओवर देयर अब तो गोल्डन आ गया है सो इफ यू नो एनी थिंग ओवर देयर एनी रैक फिर ऐसा कोई भी चीज़ डू लव मी नो ओवर ऑन माई इंस्टाग्राम नाउ विद ऑल ऑफ दैट आवर दो वे स्टार्ट विद आर के अक्सर ये चीज़ कहा जाता है और तुम लोगों ने भी ये देखा होगा कि एक माँ और उसके बच्चे का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और ये बात सच भी है हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन दोनों के बीच का प्यार कभी खत्म नहीं होता है हमें ये चीज पता रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी मॉम हमसे हमेशा प्यार करती रहेगी हमारा हमेशा ख्याल रखती रहेंगी वो पर क्या ये चीज हर माँ के लिए कही जा सकती है आज का केस सुनने के बाद तुम लोग भी यही क्वेश्चन करोगे अपने आप से कि क्या हर माँ एक जैसी होती है और क्या हर माँ अपने बच्चों से सच में प्यार करती भी है so killer, सूचना सेठ सूचना सेठ कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली है वो बचपन से ही बहुत स्मार्ट थी उसने मास्टर्स किया था इन फिजिक्स उसने संस्कृत लैंग्वेज भी सीखी हुई थी डेटा साइंस एंड एआई की भी पढ़ाई की थी और तो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दो साल तक उन्होंने फेलोशिप भी की थी मतलब कि आप समझ सकते हो वो कितनी स्मार्ट थी तो फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो बैंगलोर शिफ्ट हो गई तुम लोगों को तो ये चीज़ पता ही होगी कि बैंगलोर सिटी आईटी और स्टार्टअप्स के लिए कितना ज़्यादा फेमस है सूचना को डेटा साइंस में इंटरेस्ट था तो बैंगलोर शिफ्ट होना उसके करियर ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑप्शन था उस समय और वहाँ वो डेटा साइंस की नौकरी कर रही थी लेकिन फिर उसने ए रिलेटेड जॉब्स की और इस फील्ड में अब उसे 12 साल हो गए थे और 12 साल काम करते करते इसी बीच में उसकी मुलाकात हुई वेंकट रमन से वेंकट रमन वैसे तो केरला का रहने वाला था वो भी सेम सूचना की तरह ही बहुत इंटेलिजेंट था और डेटा साइंस एंड आएगेंस एआई में इंटरेस्टेड था उन दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया 2010 में उन दोनों ने शादी कर ली सब कुछ उन लोगों की लाइफ में एकदम सही चल रहा था वो दोनों ही साथ में प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली ग्रो कर रहे थे दोनों ही पैसे कमाने में और काम करने में बहुत ही ज्यादा बिजी थे लेकिन तो कुछ सालों में उन दोनों ने ये डिसाइड करा कि हम साथ में बिजनेस करते हैं साथ में एक स्टार्टअप शुरू करते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा माइंड फुल लैब्स आई सब एकदम नॉर्मल था दोनों साथ में काम कर रहे थे लेकिन फिर वेंकट ने वो स्टार्टअप छोड़ दिया और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली जहाँ वो एज एन एआई डेवलपर काम कर रहा था और अच्छा खासा कमा रहा था अब वेंकट के छोड़ने के बाद क्या हुआ कि स्टार्टअप में सिर्फ सूचना रही और वो जैसे तैसे करके इसे संभाल रही थी और I mean, को एक साथ रहते रहते नौ साल हो गए थे तो नौ साल बाद so उनका पहला बच्चा हुआ जिनका नाम उन्होंने था। या फिर था। Usually, बच्चा होने के बाद फैमिलीज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और भी ज्यादा क्लोज हो जाती है माँ बाप और ज्यादा करीब आने लगते हैं एक दूसरे के और वो बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन सूचना और वेंकट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था इन फैक्ट एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑपोजिट फॉर चिन्मय के पैदा होने के बाद उनमें आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया था कभी चिन्मय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर तो कभी उन दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातों पे उन दोनों का झगड़ा होता रहता था ये झगड़े और बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उस समय इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन था हम सब अपने घरों में बंद थे सबके लिए वो वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट था स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने परिवार से दूर रह रहे थे जो लोग अपने परिवार के साथ थे वो लोग इस बात से खुश थे कि वो अपनी फैमिली के साथ एक ही छत के नीचे हैं सुरक्षित है लेकिन सूचना और वेंकट के लिए ये लॉकडाउन उनकी जिंदगी में जो मुश्किल पल थे उनमें से एक था सूचना और वेंकट एक दूसरे को 2019 से जैसे तैसे करके बस टॉलरेट कर रहे थे लेकिन 2022 के के अगस्त महीने में उन दोनों के बीच में एक इतनी बड़ी फाइट हो गई कि वेंकट उसकी वजह से घर छोड़ के चले गए और इस फाइट के बाद उन दोनों को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि वो साथ में नहीं रह सकते हैं उसी महीने सूचना ने पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखाई की वेंकट उसके ऊपर एलिजेडली हाथ उठाता था वो उसे फिजिकली अब्यूज करता था ये लिखाया था उसने एंड दिस इज अ वेरी सीरियस एक्यूजेशन तो अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और सूचना वेंकट से अब डिवोर्स लेना चाहती थी सूचना ने कोर्ट में मैसेजेस वीडियो एंड मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जिससे ऐसा लग रहा था कि सूचना के साथ एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था जिसकी वजह से कोर्ट ने वेंकट को सूचना और चिन्मय से दूर रहने का ऑर्डर दिया था उनके डिवोर्स का भी केस चल रहा था जहां सूचना ने वेंकट से एलिमनी मांगी थी 2.5 लाख पर मंथ की कोर्ट का फैसला सूचना के फेवर में हुआ लेकिन एलमनी अमाउंट 2.5 लाख नहीं बल्कि 20,000 रखी गई थी तो अभी तक की सिचुएशन क्या है कि वेंकट और सूचना ने पहले तो साथ में एक स्टार्टअप शुरू करा था वेंकट को वो स्टार्टअप सही नहीं लग रहा था तो उसने उस स्टार्टअप छोड़ दिया जो बीवी के साथ शुरू करा था एंड ही चोज अ न्यू जॉब जो चीज कहीं ना कहीं सूचना को अपने दिमाग में खटक गई थी पर फिर नौ साल साथ में रहने के बाद उन दोनों का एक बच्चा हुआ एंड इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लोज टू अदर दे वर रिपेलिंग अदर तो वो अब अपने बच्चे को लेकर भी लड़ाई कर रहे थे अपने प्रोफेशन को लेकर भी लड़ाई कर रहे थे अपनी रिलेशनशिप के

आसपास रह सकते हो लेकिन आप एक पिता को अपने बेटे से मिलने से नहीं रोक सकते नाउ okay, कोर्ट के फैसले के बाद का पहला संडे आया वेंकट बहुत ज्यादा खुश था कि इतने महीने बाद वो अपने बेटे से फाइनली मिलने वाला था तो वो सुबह जल्दी से अपने वकील के साथ सूचना के घर में पहुंचा अपने बेटे से मिलने के लिए लेकिन सूचना ने कुछ बहाना बना के उसे चिन्मय से मिलने नहीं दिया तो इस बारे में वेंकट ने उस समय ज्यादा नहीं सोचा उसने ये सोचा कि ओके इस हफ्ते नहीं मिला मैं कोई बात नहीं नेक्स्ट वीक मिल लूंगा मैं उससे फिर क्या हुआ कि दूसरा हफ्ता आया दूसरे संडे को भी सूचना ने कुछ बहाना बना के वेंकट को चिन्मय से नहीं

लेकिन अब अब वो क्या करती अगर ये बात कोर्ट में पहुंच जाती तो वो लिटरली कुछ नहीं कर सकती थी इस बारे में तो अगला संडे आने से एक दिन पहले यानी कि सिक्स जनवरी 2024 को वो चिन्मय के साथ गोवा चली गई ताकि अगर चिन्मय वहां हो ही ना वो वेंकट की जगह पे हो ही ना किसी और जगह पे हो तो वो कुछ भी करके उससे मिल ही नहीं पाएगा शी वॉन्टेड टू स्टॉप दैम फ्रॉम मीटिंग सो बैडली कि वो एक दूसरी ही जगह चली गई अपने बेटे को लेकर उसने नॉर्थ गोवा के कैलनगूट इलाके में होटल सोल बैनियन ग्रांडे में रूम 404 बुक किया सिक्स टू टेंथ जनवरी के लिए सिक्स को सूचना और चिन्मय ने होटल में चेक इन किया वहां सूचना ने डेस्क पर पूछा कि कौन कौन सी ऐसी जगह है गोवा में जहां वो अपने बेटे के साथ घूम सकती है तो सिक्स्थ और सेवन्थ जनवरी को दोनों दिन वो अपने बेटे के साथ गोवा के अलग अलग एरियाज में घूमी ऑल्सो चिन्मय सिर्फ चार साल का था वो इतना छोटा था कि उसके दिमाग में

वैसे तो वो 10 तारीख तक गोवा रहने वाली थी लेकिन उससे बेंगलौर में अचानक कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से उसे वापस बेंगलौर जाना था होटल स्टाफ ने उसे एडवाइस दी कि वो चाहे तो फ्लाइट से जा सकती है वो जल्दी भी पहुंच जाएगी और उसके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि गोवा से बेंगलौर ऑलमोस्ट सिक्स किलोमीटर दूर है और बाय रोड वहां जाने के लिए उसे 12 से 13 घंटे लगेंगे होटल स्टाफ को यह लगा था कि अगर सूचना को बैंगलोर अर्जेंटली पहुंचना है तो फ्लाइट से जाना ज़्यादा सेंस बनता है और फ़्लाइट से जाने में उसके पैसे भी बचने वाले थे लेकिन सूचना ने उनसे कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो आई नो वट एम डूइंग आई विल मैनेज एवरी थिंग तुम बस कैब बुक करो तो होटल साहब ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा और उन्होंने अपने एक रेगुलर कैब वाले को कॉल कर दिया जिसका नाम था रॉय जॉन डिसूजा रॉय को रात को गाड़ी चलाना बहुत पसंद था क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम रहता है और इसीलिए जब भी किसी कस्टमर को रात में कहीं ट्रैवल करना होता था तो होटल स्टाफ हमेशा रॉय को ही फ़ोन करते थे जैसे ही होटल वालों से उसे फ़ोन आया उसने पहले तो हाँ कहा लेकिन जब उसे पता चला कि सवारी को बैंगलोर तक जाना है और उन्हें छोड़ के वापस आने के टाइम पे उसे अकेला आना पड़ेगा तो उसने होटल वालों से कहा कि मैं पंद्रह हज़ार नहीं बल्कि तीस हज़ार चार करूँगा और साथ में एक और ड्राइवर को अपने साथ ले जाऊँगा क्योंकि सफर लंबा होने वाला था तो रॉय जॉन ही चार्जिंग ऑलमोस्ट डबल फॉर दिस राइड उसके साथ एक और ड्राइवर होने वाला था जो कि अगर रात में वो थक जाए तो बारी बारी से वो उसकी गाड़ी चला सके तो होटल स्टाफ को लगा कि ये सब कुछ जानने के बाद तो ये मैम मना कर देगी उन्होंने सब कुछ सूचना को बता दिया लेकिन टू तो देर सरप्राइज सूचना इस चीज के लिए मान गई उसने बस होटल स्टाफ को यह कहा कि रॉय को यहाँ जल्दी आने के लिए बोलो आई नीड टू लीव राइट ना होटल स्टाफ को सूचना का ये वाला बिहेवियर थोड़ा ऑर्ड लग रहा था लेकिन वो और कर भी कह सकते थे तो उस रात साढ़े बजे रॉय ग्रांडे होटल पहुंचा सूचना का बैग उसने गाड़ी की डिग्गी में रखा और जैसे ही उसने वो रेड ट्रॉली बैग उठाया उसे बैग बहुत भारी लगा उसने सूचना से पूछा कि कहीं बैग में अल्कोहल तो नहीं क्योंकि बैग बहुत ही ज़्यादा भारी है तो सूचना ने उससे कहा कि बैग में बस कपड़े हैं और गोवा में शॉपिंग ज़्यादा हो गई थी इसीलिए सारे सामान की वजह से बैग भारी हो गया है तो ने से सोचा कि हाँ हो सकता है कि शायद से ज़्यादा शॉपिंग करने की वजह से बैग भारी हो जाए जिसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठे और फिर इनकी स्टार्ट हुई लंबी जर्नी बेंगलोर की जर्नी में जाते समय रॉय ने सूचना से बातें करने की कोशिश करी जस्ट टू कीप हिमसेल्फ अवेक लेकिन सूचना उससे ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी यूजुअली ना जब भी लंबा सफर होता है तो ड्राइवर से बात करते रहनी चाहिए या फिर ड्राइवर भी बात करते रहता है आगे वाले बंदे से बैठ के ताकि उन्हें नींद ना आए कुछ पैसेंजर्स बात करना पसंद करते हैं कुछ नहीं करते हैं इट इज़ टोटली अप अपू एवरी जब रॉय ने शुरुआत में सूचना से बात करी एंड शी शिवजन रिप्लाइंग तो उसे ऐसा लगा कि शायद से सूचना उन लोगों में से है जिन्हें बात करना पसंद नहीं है इसीलिए उसके साथ जो आदमी आया था उसका जो दोस्त आया था जो एक्स्ट्रा ड्राइवर आया था रॉय ने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया अब करीब रात के दो बजे वो लोग गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे पहुंचे वहां बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था क्योंकि आगे थोड़ा सा आगे वहां पे किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और रॉय को पता था कि सूचना को जल्दी बैंगलोर पहुंचना है और क्योंकि अब तो ट्रैफिक लग गया तो वो यहां से निकल नहीं पाएंगे तीन चार घंटे तक तो रॉय ने सूचना से कहा कि आप एक काम करो आप फ्लाइट बुक कर दो मैं आपको पास के एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा आप जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाओगे जल्दी बैंगलोर पहुंच जाओगे और मैं आपसे पूरी ट्रिप के पैसे नहीं लूंगा सिर्फ आधे के लूंगा लेकिन सूचना ने फिर से वही चीज कही रॉय को जो उसने बैंगलोर कि की ये समझ नहीं आ रही थी लेकिन फिर उसने सोचा छो यार हमें तो पैसे मिल रहे हैं जिसके बाद ये लोग ट्रैफिक में चार घंटे तक वहीं बैठे रहे और फिर एट्थ जैन के सुबह छह बजे इन लोगों ने कर्नाटका गोवा बॉर्डर क्रॉस करी तो रॉय का दोस्त रॉय और सूचना अभी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वहाँ होटल में अभी रूम साफ़ होने वाला था होटल के क्लीनिंग स्टाफ ने जैसे ही रूम फोर ओ फोर में एंट्री की उन्होंने नोटिस किया कि बेड पे और होटल के टावल पे खून के दाग थे उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी उन्होंने तुरंत गोवा पुलिस को कॉल किया ग्यारह बजे पुलिस होटल में पहुंची उन्होंने होटल का सी फुटेज चेक किया और उन्हें कुछ गड़बड़ लगी उन्होंने तुरंत रॉय का नंबर निकाला रॉय को फ़ोन किया और उससे पूछा तुम्हारी गाड़ी में सूचना नाम की पैसेंजर बैठी है क्या रॉय ने कहा हाँ फिर पुलिस ने उनसे पूछा क्या वो अकेली है या उसके साथ कोई बच्चा भी है और ये बात सुनकर रॉय थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि गाड़ी में सिर्फ सूचना बैठी थी तो उसने कहा कि नहीं उसके साथ कोई बच्चा नहीं है वो लेडी सिर्फ अकेली है जिसके बाद पुलिस ने रॉय को कहा कि सूचना को फ़ोन दो उन्हें सूचना से बात करनी थी

पुलिस को पक्का सूचना पर शक हो गया था उसके रूम में जो खून था उनके बारे में पुलिस को जानना था तो उन्होंने दोबारा से रॉय को कॉल कराया पर इस टाइम उन्होंने रॉय से कौनकनी भाषा में बात करी ताकि सूचना को कुछ भी समझ ना आए मैंने बचपन से कौनकनी को कौनकनी प्रोनाउंस है सो में भी दसवाउं तो रॉय से कोंकणी भाषा में बात करते करते उन्होंने उससे कहा कि तुम सूचना को बिना बताए पास के किसी पुलिस स्टेशन में लेके जाओ और वहां पहुँचते ही हमें कॉल करो लेकिन सूचना को इस बात की बिल्कुल भी शक नहीं होनी चाहिए रॉय कर्नाटका के चित्र दुर्गा इलाके में एंटर कर चुका था और सारे साइन बोर्ड्स कन्नड़ा भाषा में ही थे जिसकी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था

तो पुलिस स्टेशन अप्रोच कर रहे थे सूचना को भी दिख रहा था अंधे नहीं थी वो तो उसने उससे कहा कि मेरा कुछ पेपर वर्क है मैं बस अपने पेपर लेके आ रहा हूं फिर हम चलते हैं तो ने उससे कहा कि ठीक है पर जल्दी वापस आना वो जैसे ही गाड़ी से उतरा वो भाग कर अंदर गया पुलिस सेशन के। के पुलिस पुलिस स्टेशन के के वालों से उसने गोवा वालों की बात कराई उसने उन्हें सब कुछ समझाया और सब कुछ सूचना के बारे में बताया कर्नाटका पुलिस रॉय की गाड़ी के पास आई सूचना से बात करने उन्होंने रॉय से गाड़ी की डिक्की से बैग निकलवाया और बैग खोला तो उसमें कपड़े और बच्चे के टॉयज थे उन्होंने कपड़े और टॉयज को बाहर निकाला और जो उनकी आंखों के सामने था उसे देखकर वो लोग शौक रह गए उन्होंने सूचना से पूछा ये कौन है तो सूचना ने बड़े ही काम ली बिना कोई झिझक के उनसे कहा ये मेरा बेटा है सूचना अपने बेटे की लाश बैग में डाल के बाय रोड गोवा से बैंगलोर जाने का प्लान कर रही थी उसने अपने बेटे का खून किया अपने चार साल के बेटे का खून किया उसने जिसके साथ वो गोवा घूमने आई थी जिसके साथ वो चार साल रही थी जिसको उसने पैदा करा था लेकिन ऐसा क्यों एक्चुअली जब सूचना होटल से बाहर निकली थी तो होटल से को थोड़ा सा अजीब तो लगा था क्योंकि जब वो अंदर आई थी तो उसके साथ बच्चा था चिनमय था लेकिन जब वो बाहर गई तो सिर्फ उसके पास एक बैग था जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगली सुबह जब वो रूम साफ़ कर रहे थे तो उनको वहाँ पे खून के स्पॉट्स भी मिले थे जिसकी वजह से ही उन्होंने पुलिस को कॉल लगाया था पुलिस ने पहले तो उससे पूछा कि रूम में खून के दाग किस चीज के हैं सूचना ने उनसे कहा कि मुझे पीरियड्स हुए थे वो खून उसी वजह से है फिर पुलिस ने उनसे पूछा कि चिनमय की डेथ कैसे हुई तो सूचना ने कहा कि जब वो सेवंथ की सुबह उठी तब में पहले से ही मरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे लेकिन पुलिस ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करा क्योंकि वो पहले बहुत बार झूठ बोल चुकी थी पुलिस ने पहले तो होटल के रूम की तराशी करी उन्हें वहां से कप सिरप के दो बॉटल्स और ब्लड सेन्ज मिले ब्लड का डीएनए जांच किया गया और ये पता चला कि ब्लड सूचना का ही था बॉडी की पोस्टमार्टम करवाने पर भी ये कन्फर्म हो गया था कि चिन्मय की मौत गला घोटने से हुई थी लेकिन गला हाथों से नहीं बल्कि तकिए से या फिर टावर से घोटा गया था और चिन्मय की बॉडी में स्ट्रगल का कोई सान नहीं था सो so, जब चिन्मय को मारा जा रहा था तब या तो वो सो रहा था या फिर ही वो स्ट्रग और हाई क्योंकि बहुत ज्यादा इजीली करा जा सकता है कफ सिरप से अब वाले कफ सिरप या नहीं पुराने वाले कफ सिरप से पुलिस की ये थ्योरी थी कि सूचना ने चिन्मय को कफ सिरप पिलाया होगा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और फिर सूचना ने उसे मारा होगा लेकिन सूचना अभी भी पुलिस से यही कह रही थी कि जब वो उठी तो उसका बेटा पहले से मरा हुआ था और जब उसे रियलाइज हुआ तब उसने होटल की सीजर से अपनी रिस्क काट कर अपनी जान लेने की कोशिश की लेकिन जब वो नहीं मरी तब उसने होटल के टावल से खून पहुंचा और वहां से चिनमय की लाश को लेकर वो बैंगलोर के लिए निकल पड़ी तो तो ये चीज़ कंफर्म तो थी कि सूचना ने ही अपने बेटे को मारा है पुलिस को एविडेंस भी मिल गए थे और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी कंफर्म हो चुकी थी इस पॉइंट पर बट क्वेश्चन स्टिल रिमेंस आखिर उसने ऐसा करा क्यों उसने अपने ही बेटे को क्यों मारा ना देर इज अ वेरी बेग एलि ओवर हेयर जेटली जिस ट्रॉली के बैग में चन्मय की लाश मिली उस बैग में एक लेटर भी मिला पुलिस को जिसमें लिखा हुआ था कि मैं कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हूँ सूचना ये नहीं चाहती थी कि वेंकट 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 और और एक दूसरे से से उसके और के बीच में तो तो दरार पड़ चुकी थी तो वो से नफरत करती थी लेकिन वेंकट और चिन्मय की रिलेशनशिप उन दोनों के बीच की नजदीक या उन दोनों के बीच का प्यार सूचना से बर्दाश्त नहीं होता था उसे ये चीज पसंद नहीं थी कि वेंकट को कोई चीज इस दुनिया में खुश भी कर सकती है उसका बेटा वेंकट को खुश भी कर सकता है उसे ये चीज पसंद नहीं थी तो रेज में आकर उसने अपने ही बेटे को मार डाला ताकि वेंकट कभी खुश ना हो पाए अभी फिलहाल के लिए तो सूचना पुलिस कस्टडी में है लेकिन दिस इज कंफर्म कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी पेरेंट्स के बीच में हमेशा अनबन होती रहती है तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में भी लड़ाई होती होगी मेरे पेरेंट्स भी लड़ते हैं कई बार लेकिन इस अनबन की वजह से इस गुस्से की वजह से किसी बच्चे की जान लेना जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि हो क्या समझ नहीं आती है तो उस समय क्रिमिनल्स के दिमाग में चल क्या रहा होता है अपने बच्चे की जान लेके सूचना को क्या मिला ये चीज शायद से सूचना को भी ना पता हो बिकॉज शी लुक सो इनोसेंट शी लुक लाइक समबड़ी जस्ट लव हर फैमिली और ये न्यूज जब बाहर सर्कुलेट हुई तो

और दैट डज नॉट मीन कि उसके दिमाग में इंक्रूसिव थाट्स नहीं आते मुझे चिनमय के लिए बुरा तो लगी ही रहा है बिकॉज चार साल का बच्चा था वो ही हैड हिज होल लाइफ आई हैड ऑफ लेकिन मुझे वेंकट के लिए भी उतना ही बुरा लग रहा है हो सकता है ठीक है आई एम नॉट सिंग दिस थिंक वेंकट डिड नॉट ट्रिगर सूचना ठीक है हो सकता है वो एक अच्छा हस्बैंड ना हो, हो सकता है वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड ना हो हो सकता है कि वो एक अच्छा इंसान भी ना हो लेकिन ही वॉज ट्राइंग टू बी अ गुड फादर वो पिछले चार हफ्ते से अपने बेटे को मिलने की कोशिश कर रहा था एंड दिस थिंग इज क्लियर कि सूचना को भी ये चीज़ पता था कि वेंकट को खुश इस दुनिया में सिर्फ उसका बेटा ही कर सकता है दैट मैंट कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेशल बॉन्ड तो होगा वो बस अपने बेटे से मिलना चाहता था उससे बातें करना चाहता था उसके साथ खेलना चाहता था लेकिन अब उसके सामने उसके बेटे की सिर्फ लाश थी एंड आई होप कि कहीं वेंकट अपने आप को ब्लेम ना करे कि मैंने सोचना को इतना फोर्स कर दिया अपने बेटे से मिलने के लिए कि उसने उसकी ही जान ले ली आई जस्ट होप कि वेंकट डज नॉट डू दैट थिंग्स हिमसेल्फ तो क्योंकि होता है कई बार ऐसा केसेस में होता है ऐसी चीज़ एंड लास्टली तुमने भी ये बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि लोग पुलिस की हेल्प करने में कतराते हैं या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती है लेकिन इस केस से हमें यह चीज़ क्लियरली दिखती है कि सारे पुलिस वाले और सारे लोग भी सेम नहीं होते ये केस इतने जल्दी सिर्फ पुलिस वालों की वजह से होटल स्टाफ की वजह से रॉय की वजह से और रॉय के साथ जो एक और पार्टनर था उनकी वजह से सोल्व हो पाया है समाप्त होता है अगेन आई कैन थैंक यू गाइज एनफॉर वन मिलियन सब्सक्राइबर एक मिलियन कितना जीरो लगता है क्या हो सकते? पीपल लाइक वट आई मेक यू नो इज़ दिस कज जनरली दिस इज़ सच अज़ार साइड ऑफ यूट्यूब और लाइक बिजार साइड ऑफ लाइकिंग थिंग ट्रू क्राइम्स हर एक आदमी नहीं देख सकता हर एक बंदा नहीं देख सकता है एंड ट्रू क्राइम इज़ स्टिल अन्य कोई मर गया उसके बारे में तुम्हें डिटेल्स क्यों जाननी है लोग ऐसे ही बोलते हैं आई नो दिस थिंग ठीक है बट स्टिल सो मेनी ऑफ यू आर हेयर आई एम रियली जस्ट Humbled, I'm glad, I'm just so thankful, guys. Sometimes it might not look like I am being genuine over here, but seriously, I would have never imagined this thing. I have said it, but I never <laughs> actually believed it. So, again, thank you for subscribing, it means a lot to me. And now, आर नेक्स्ट गोल इज़ टेन मिलियन बहुत ज्यादा ऊँची उड़ान मार रहा हूँ मैं यहाँ पे बट आई नो दिस थिंग सो सब्सक्राइब्ड मी बिफोर आई हिट टेन मिलियन आई नो आई कैन मेक प्रॉपर वीडियोज तुम्हें बस अपना पार्ट प्ले करना है ऑल्सो गो फॉ मी ऑन इंस्टाग्राम आई मेड अन यू इंस्टाग्राम बट विद दैट आई होप दट यू गाइज आर हैप्पी आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी प्लीज़ कीप यूर लाउ डोट्स वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक बाय बाय